अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सैयद मोहम्मद बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स की तैयारी हो चुकी है। क्या स्टूडेंट्स तैयार हैं? क्या माँ बाप एक माह के वक्फे में फीस बन पाएंगे? देखिए बोलता तेलंगाना की तरफ से एक खसूसी रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स अपने दिए गए शेड्यूल के हिसाब से होंगे, यानी कि जो टाइम टेबल दिया गया था, फर्स्ट मई से इंटर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे और सेकेंड मई से इंटर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स का आगाज़ होगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी उमर जलील साहब ने कहा कि 8.5 लाख बच्चों के लिए 2171 एग्जाम सेंटर्स में तैयारी भी पूरी कर ली गई है। जैसे ही उमर जलील साहब की तरफ से बयान जारी हुआ, पूरे प्राइवेट कॉलेजेस हरकत में आ चुके हैं और पेरेंट्स से फीस मांगना शुरू कर दिए हैं और कह रहे हैं कि फीस नहीं बनेंगे तो हॉल टिकट भी नहीं देंगे। हमारे रियासत में हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल करें। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए एक बाप ऑटो चलाकर, होटल में नौकरी कर और गाड़ी का पंचर बनाकर हर शोबे में काम करने वाले लोग अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाना चाहते हैं, लेकिन पिछले एक साल से अब तक वबा की ऐसी मार पड़ी है कि बड़े तो बड़े, छोटे कारोबार या नौकरी करने वाले लोगों को दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने संभल रहे कारोबार वालों को फिर से कमर तोड़ दी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी वेव सबसे पहले स्कूल्स के स्टूडेंट पर ही आई थी। तब से बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन तक नहीं भेज रहे हैं। क्या ऐसे में इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयारी कर पाएंगे? एक माह के वक्फे में क्या माँ बाप फीस कॉलेजेस में जमा कर पाएंगे? हम ये रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ स्कूल्स हो या कॉलेजेस, पेरेंट्स से फीस वसूल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सारे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स और मैनेजमेंट को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। फिर पेरेंट्स से पूरे साल की फीस वसूलने पर कहां जा रही है? अगर आपको भी पता लगे तो आप बोलता तेलंगाना की टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं। बोलता तेलंगाना सीएम केसीआर साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश करती है कि अवाम इस वक्त काफी परेशान हैं, खास तौर पर मिडिल क्लास और छोटा कारोबार करने वाले लोग। ऊपर से कॉलेजेस की फीस की मार, मौशी बहरान और कोरोना वायरस से जंग। अवाम अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और स्कूल्स कॉलेजेस से फीस वसूले जा रहे हुए मैसेजेस आप हमें हमारे इनबॉक्स में भी भेज सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बोलता तेलंगाना।